अस्सलाम वालेकुम रिया कहानी सेंटर में मैं आपका वेलकम करती हूँ। अगर आपको मेरा ये नावल अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट्स में अपनी राय का इजहार भी ज़रूर कीजिएगा। इसको कंप्लीट वॉच कीजिएगा। आए इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। वो सुबह ही सुबह बेदार हो गई थी, हालत कुछ अजीब सी हो रही थी। तभी सुबह जल्दी जाग खुल गई थी, आँखें खोलते ही अपने बिल्कुल साथ लेटे हुए आतिश बलोच को सोते देखकर उसके लब अपने आप मुस्कुराए थे। ससी ने अपनी कमर के गिर्द लिपटे हुए उसका हाथ हटाकर वॉशरूम में जाना चाहा, क्योंकि उसका दिल घबराने लगा था, सर भी भारी सा लगा, मगर जिस्म में सुस्ती और तबीयत में नकाहत महसूस हुई तो उठने की बजाय अपने शहजादे के खूबरू चेहरे को महवियत से देखने लगी। वेस्ट में उसका कुसरती वजूद नुमाया हो रहा था, सभी ये पेशानी पर सिहा सिल्की बाल लापरवाही से बिखरे हुए थे। नींद में भी उसके वजीहा चेहरे पर दिलकश मुस्कुराहट थी। वो यकटोको से देखने लगी। बेइख्तियार सस्सी ने अपना हाथ बढ़ाकर उसकी दाढ़ी पर बेहद नरमी से फेरा। मुझे आपके चेहरे पर आपकी ये दाढ़ी बहुत अच्छी लगती है, वो उसकी अबर्ट को अपनी पोरों से सहलाते हुए धीमे से बोली। आतिश बलोच की आदत थी जब वो कुछ सोचता तो अपनी उंगलियों से अपनी एबर्ट को हल्के से सहलाता और सस्सी उसके स्टाइल पर दिलो जान से फिदा हो जाती। मगर आतिश बलोच को तो इस बात का अंदाज़ा तक ना था कि उसकी शहजादी उसकी इस अदा पे भी दिलो जान से फरिफ्ता हो चुकी है। हाय अल्लाह, अगर ये जाग गए और मुझे यूँ करते देखा तो क्या समझेंगे मैं कितनी, उसने सोचकर शर्म से झुरझुरी ली। उसकी धड़कन बेतरतीब हुई थी। बेइख्तियार उसने अपना हाथ आतिश बलोच के चेहरे से पीछे खींचकर अपने तेज धड़कते दिल पर रख दिया। ए मेरे परवरदिगार, मैं आपका जितना शुक्र अदा करूं उतना ही कम है। आपने मेरे ख्वाबों की तकमील करके मुझे मेरा मनपसंद हमसफर अता फरमाया। वो दिल में अपने खुदा से मुखातिब थी। एक आंसू उसकी आंखों से निकलकर बालों में जज़ब हो गया। कई पल वो आतिश बलोच को मोहब्बत पाश और तशकुराना अंदाज में देखती रही। फिर बेख्तियार झुककर आतिश के आइबर्ड वाले गाल पर मोहब्बत की मोहर सब्त की और फिर सुर्ख चेहरे के साथ उठकर आहिस्ता से बेड से उतरने लगी। जब आतिश बलोच ने उसे खींचकर अपने साथ लेटाया और खुद उसके ऊपर झुक गया, इतने प्यारे अंदाज में गुड मॉर्निंग करना कहाँ से सीखा, मैंने तो नहीं सिखाया, वह सस्सी की शहरक पर अपने लब रखता बोझल आवाज में गोया हुआ। जबकि सस्सी की तो जान लबों को आ गई थी, उसकी ये सोचकर जान जा रही थी कि आतिश जागा हुआ था और उससे आगे सोचते ही शर्मो हया के मारे सस्सी ने अपना चेहरा आतिश बलोच के चौड़े सीने में छुपा लिया। जबान उसकी ऐसी तालू से चिपक गई थी कि कुछ भी बोलने की कुवत सिल्प हो गई। तुमने वाकई दिन बना दिया, वैसे आज इतना प्यार क्यों आ रहा था तुम्हें मुझ पर, कोई ख़ास बात? वह सस्सी के बालों की महक अपनी सांसों में उतारते हुए जो मायनी से गोया हुआ तो सस्सी ने खफ्त के मारे अपने चेहरे का रुख मोड़ लिया। उसकी इस हरकत पर आतिश बलोच ने ज़ोर से कहका लगाया, अच्छा बताओ मेरी मलकाए दिल की तबीयत कैसी है अब? जी 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 ठीक है, ये कहते ही सस्सी उठकर जाने लगी। मगर आतिश बलोच ने उसे अपनी गिरफ्त में कैद कर लिया। इतना आसान नहीं है मलकाए दिल मेरी गिरफ्त से निकल पाना, एक किस तो बनती है ना यार, ये कहते ही आतिश बलोच उस पर झुका और उसके लबों को अपने लबों में कैद कर लिया। आज यारम शहर आया था डॉक्टर वहाद से मिलने और काम में उसको बहुत देर हो गई थी। शाम के साए चारों अतराफ में फैलने लगे थे, इसलिए उसने आतिश बलोच के नए घर का रुख किया। यारम ने हाथ से आतिश बलोच के नए घर का एड्रेस मालूम कर लिया था, क्योंकि आतिश ने हाथ को बता रखा था सस्सी से शादी के बाद उसने नया घर ले लिया था। जुबैदा अभी कुछ देर पहले ही घर से बाहर निकली थी शाम के खाने के लिए कुछ सौदा सल्फ लाने के लिए, इसलिए दरवाजे पर लॉक नहीं था, बस वैसे ही बंद था।
वो जाते हुए चाहत को कह कर गई थी कि दरवाज़ा बंद कर ले, तो उसने कहा था कि वो धुले सूखे हुए कपड़े सहन में से उतार रही है, वो यहीं है और आप बेफिक्र हो जाएं। तो वो बाहर निकल गई थी। यारम ने गाड़ी अंदर रोकी और गाड़ी को लॉक किया और अंदर की तरफ बढ़ने लगा। तभी चाहत, जो सहन से धुले हुए कपड़े लेकर अंदर दाखिल हुई थी, सामने खड़े हुए यारम बलोच को देखकर उसके कदम वहीं थम गए। चाहत को यूं अचानक सामने देखकर यारम बलोच का हाल भी उससे कुछ मुख्तलिफ ना था। वक्त जैसे वहीं थम सा गया था। वो दोनों जैसे सांस लेना भूल गए। उन दोनों के वहमो गुमान में भी नहीं था कि यूं उनका आमना सामना होगा। चाहत के कदम तो वहीं जामिद हो गए थे जैसे ज़मीन ने जकड़ लिए हों। यारम बलोच फासले को मिटाते हुए सरहद से उसकी जानी बढ़ा। चाहत, उसकी आंखों में एक अलग ही जुनून था। वो उसका चेहरा अपने दोनों हाथों के प्यालों में भर कर दीवाना बिन बार बिना रुके उसके नक्श नक्श पे अपने होठों का एहसास दिलाते हुए उसे कप कपाने पे मजबूर कर गया। वो तो उसे इतने दिनों बाद सामने देखकर हैरत सता रह गई। ऊपर से उसकी जुनूनियत अमेज जसारतें, उसके बदन का सारा खून सिमट कर चेहरे पर आन ठहरा। दूर हटे मुझसे, वो उसे खुद से पीछे धकेल कर होश में आते ही चिल्लाई और उल्टे कदम लिए नफ़ी में सर हिलाती हुई बैरूनी दरवाजे की पुश्त से जा लगी। अजीब सी शुआएं उसकी मरमरी वजूद से फूट रही थी जो देखने वाले को मेस्मराइज कर रही थी। यारम बलोच जैसे बहके बहके कदम उठाता हुआ उसके पास आ रहा था। उसके दिल की धड़कनें सुस्त पड़ने लगी, सांसों का जेरो बम इतदाल से टूट फट गया। यारम बलोच ने दोनों साइड पर हाथ रखकर उसे दरवाजे से पिन कर दिया था। तुम्हें फिर से देखने के बाद तो ये आलम है कि अब बिना तेरे ना एक पल हो, ना बिन तेरे कभी कल हो। ये दिल बन जाए पत्थर का, ना इसमें कोई हलचल हो। सनम पे हाँ, इश्क पे हाँ, लुटा दूँ मिटा दूँ मैं अपनी खुदी, वो जज्बात से चूर आवाज में कहते उसके ऊपर झुका चेहरे पर। तो चाहत उसकी नजरों का इर्तकाज अपने होठों पे देखकर जख्मी नागिन की तरह फनकारी, यारम वाओ, पहली बार इन लबों ने हमारा नाम पुकारा है, खराजे तहसीन पेश ना किया तो ना इंसाफी होगी। वो उसके लहजे की परवाह किए बिना जो मायनी अंदाज में बोला। उसके चेहरे पर यारम बलोच की नजरों की तपिश ने अपना हसार बांध रखा था। उसके दहकते हुए चेहरे से फूटती तपिश का अंदाजा यारम बलोच को बाखूबी हो रहा था। उसकी पहले की गई जसारतों के सुलगते हुए लम्स का एहसास उसके चेहरे पर अभी तक ताज़ा था। इतने दिनों बाद आपको सामने देखकर मैं अपने हवास खो रहा हूँ चाहत। वो उसकी जानिब झुककर बालों को कंधे से पीछे सरकाते हुए फसुखेज आवाज में बोला। उसके तिश्नाए लब चाहत के कान की लौ को जैसे ही छुए थे, चाहत की ग्रिप मुट्ठी में दबोची अपने दुपट्टे पर और भी मजबूत हो गई थी। वो उसके लिए अपने दिल में पनपते हुए जज्बात को बहुत पहले मार चुकी थी, मगर अब धड़कनें इतनी तेज़ हो गई थी यारम को अपने पास देख करके वह जैसे सांस लेना भूल गई थी। यू आर माई लव, आई लव यू डीपली मैटली अनकंडीशनली फॉर एवर एंड एवर। नजरें हानूस उसके कटावदार याकूती लबों पर मरकूज थी, मजबूत बाहों का हाला उसके गिर्द कायम था। उसके शानों और गर्दन के गिर्द उसकी झुलसती हुई सांसों की तपिश थी। पूरा वजूद जैसे जलने लगा था, बदन में सनसनाहट दौड़ी, काटो तो जैसे बदन में लहू न हो वाली कैफियत की मस्ताक वो उस पल उस देव कामत शख्स के हसार में मौकीद थी। बहुत मुश्किल से उसने मजाहमत की और ख़ुद को उसके घेरे से बाहर निकालना चाहा, मगर वो तो जैसे उन लम्हों को अमर कर देने का ख्वाह हुआ चाहता था। चाहत का वजूद तो जैसे शोलों की लपेट में था। यारम, वो उसकी कुर्बत पर आंखें जोर से मीच गई। यारम बलोच उसके फड़फड़ाते हुए गुलाब की पत्तियों जैसे लबों को छूने के लिए उस पर झुका और उसके होठों को अपने होठों में कैद कर ली और उसकी सांसों को अपने अंदर उतारने लगा। उसके अमल में आज इतनी शिद्दत थी कि चाहत से बर्दाश्त नहीं हो रही थी। एक पल के लिए उसके होठों को आज़ादी बख्शी और बोला, अच्छी तरह जानती थी ना तुम मैं नहीं रह पाऊँगा तुम्हारे बिना,
तभी मुझसे बदला लेने के लिए अपनी जुदाई की सजा दी मुझे। कितना बदल गई हो तुम। हाँ ठीक कहा, मैं बदल गई हूँ, क्योंकि मुझे अब किसी से भीख में मोहब्बत नहीं चाहिए। सच कहा, मैं पत्थर की हो चुकी हूँ, मगर मुझे पत्थर बनाने में भी आपका कमाल है। वो जख्मी सा मुस्कुराई। मैं अकेले घुट घुट कर रोते हुए थक गई हूँ। दिल करता है चीख चीख कर रोऊं, इतना चीख कर रोऊं कि आवाज़ तुम्हारे कानों के पर्दे फाड़ दे। जैसे तुमने मेरे भाई को मुझसे छीन कर मुझ पर जुल्म किया है। मेरी चीखें तुम्हें कभी चैन ना लेने दें। तुम्हारा दिल भी उसी तरह रोए जिस तरह मैं रोती हूँ। वो कर्बज़दा आवाज़ में गुराई। ओ, तो इसको सच पता चल चुका था, तभी उसने ये कदम उठाया। यारम बलोच के दिमाग में झमाका सा हुआ, वो हैरत में मुब्तला हुआ, मगर जल्द ही सारी सिचुएशन का सामना करने के लिए खुद को संभाल चुका। मैं मानता हूँ मुझसे गलती हुई, मैंने वो सब इरादतन नहीं किया था, अनजाने में सब हुआ था, मैं होश में नहीं था, वो सिर्फ एक हादसा था, और हादसा तो किसी के साथ भी हो सकता था। मैं अगर चाहता तो उसे वहीं छोड़कर जा सकता था, मगर मेरे ज़मीर ने मुझे ऐसा नहीं करने दिया। उसे उसकी आखिरी आरामगाह पहुंचाया, उसकी जिम्मेदारियों को निभाया, खुदा से अपने किए की सच्चे दिल से माफ़ी मांगी। अब ये मामला मेरे और मेरे खुदा के दरमियान का मामला है। वो चाहे मुझे मेरे किए की सज़ा दे या ना दे, तुम कौन होती हो मेरी सज़ा का तायुन करने वाली। वो दो कदम उसके करीब हुआ और सवालिया नजरों से उसे देखते हुए कड़क आवाज़ में बोला। चाहत उसकी अंदाज़ो अतवार पर सहम कर रह गई। इससे पहले कि चाहत वहाँ से जाती, यारम ने उसकी कलाई पर गिरफ्त जमाए उसे वापस खींच लिया। तुम मुझे अपना दीवाना बनाकर वहाँ तन्हाइयों का अजाब झेलने के लिए छोड़ आई। तुमने मुझे हल्के में लिया मिसिस चाहत यारम बलोच। वो उसके बालों में हाथ फंसा कर उसके गाल को अंगूठे से सहलाते हुए शिद्दत पसंदाना अंदाज में बोला। तुमने सिर्फ मेरा प्यार देखा है, जब अपने लिए जुनून और शिद्दत देखोगी तो समझोगी कैसे मैंने तुम्हारे बिना रातें जाग कर गुजारी हैं। यारम बलोच के मरमरी लब उसके होठों से हल्का सा मिस हुए, तो गोया उसके वजूद में करण सा लगा। दूर हटे मुझसे चाहत, जो अचानक फिर से उसकी जसारत पे हैरान हुई थी, खौफजदा निगाहों से उसे देख रही थी। मिसिस, दूर रह रहे थे, थकी नहीं आप? जो फिर से दूरियों की बातें। यारम बलोच उसके खौफजदा चेहरे को गहरी नजरों से देखते हुए बोला, क्योंकि अब मैं इन दूरियों को समेटना नहीं चाहती, जहर लगते हैं आप मुझे। वह तल्ख अंदाज में कहते हुए चेहरे का रुख मोड़ गई। उसकी अंदाज पे यारम बलोच के लबों पर मुस्कुराहट रिंग गई। यही बात मेरी आंखों में देखकर कहें, वह फसूखेज आवाज में बोला। तो चाहत का दिल एक बार की से धड़का, मगर वो गुस्ताख दिल को डपट कर सुलाने की भरपूर कोशिश कर रही थी। चले आपकी मुश्किल मैं आसान कर देता हूँ, मैं बताता हूँ कि अब एक लम्हा भी आपके बगैर गुजारने के बारे में सोच भी नहीं सकता। इससे पहले कि वह अपनी बात मुकम्मल करता, छोड़ दे मुझे मेरे हाल पर, खुदा के लिए। वह सख्त गिर लहजे में गोया हुई और दोनों हाथ उसके सामने जोड़ कर बोली, छोड़ ही तो नहीं सकता मिसिज, यही तो मसला है। इस नावल का अगला हिस्सा मेरी अगली वीडियो में, और अगर आपको मेरा ये नावल पसंद आ रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट्स में अपनी राय का इजहार भी ज़रूर कीजिएगा। इसको कंप्लीट वॉच कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।